वेलकम टू स्पोर्ट्स क्रिकेट एक्सप्लोर। मलेशिया में आज हमारा 14 दिन है और पार्ट 5 हम लोग एक्वेरियम देखने आए हुए हैं यहाँ पर। ये पूरा एक्वेरियम है, देखिए एक्वेरियम का है, ये पूरा एक्वेरियम का है, ये एक्वेरियम है। एक्वेरियम का मैं आपको बताऊँगा, मैं एक्वेरियम किधर होता है, क्या है एक्वेरियम में, क्या क्या बताते हैं, मैं आपको पूरा इसका एक्वेरियम जा रहे हैं हम लोग देखने के लिए। देखिए पूरा कम्प्लीटली यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है। अच्छा अच्छा सेटअप करे ये लोग, ये पूरा एक्वेरियम है, ये पूरा एक्वेरियम है और अंदर जा रहे हैं हम एक्वेरियम का। अलग अलग है मछलियों के बारे में या इसके बारे में। दुबई में भी है, दुबई में भी देखे हम लोग, बहुत बड़ा है दुबई में। तो ये भी लाइट, आप मलेशिया आ गए तो हम लोग भी आ गए कुआलालंपुर में। इस पर देखिए पिक्चर बताते हैं, पिक्चर राइट साइड पे इधर एक थिएटर है, ये नीचे थिएटर है, थिएटर में भी बताते हैं। तो हम लोग तो जा रहे हैं इधर नीचे एक्वेरियम के पास। ये फिश एक्वेरियम में देखिए पूरा, ये टिकट QR कोड के हिसाब से चलते हैं यहाँ पर। कम्प्लीटली फिश एक्वेरियम है, मछलियाँ आए और उसके मेरे ख्याल से ओरिजिनल भी है, इसको स्क्रीन बना के रखे इसमें। अनिल भाई ओरिजिनल है, ओरिजिनल है मछ, फिश ओरिजिनल है इधर थोड़ा एक्वेरियम है ये। थैंक यू, ये भी हो जाएगा वो। ये QR कोड से देखिए, ये QR कोड मार दिए और ये मछली है, ये फिश है, देखिए एक्वेरियम में आए हुए हम लोग। ये ओरिजिनल फिश और ये जो है स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ओरिजिनल ओरिजिनल नहीं है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। ये एक्वेरियम के अंदर का है, हम लोग एक्वेरियम में आ गए हैं, एक्वेरियम के अंदर का है ये, ज़बरदस्त है। देख सकते, एक बार आके देख सकते हैं आप, मलेशिया आए तो कंपलसरी एक आध बार आके देख लेना, मेरा मतलब जब आपको टाइम मिला शॉपिंग के साथ। अब ये भी थोड़ा बहुत कर लेना बच्चों के लिए या किसी के साथ आए आप। ये पूरा एक्वेरियम है ये। Untuk melancong masuk ke dalam bawah laut. Okey, dan pastikan anak-anak anda sentiasa bersama anda, dan pastikan anak-anak anda sentiasa bersama dengan anda semua. Okey. Kanak-kanak ini. Kita can help the stingray to locate their own food. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jadi untuk pengetahuan anda, ikan pari ini sebenarnya mata mereka terletak di atas. Jadi yang anda lihat sekarang ni adalah mulut, hidung dan juga insang mereka sahaja. Jadi untuk ikut logik, ikan pari sebenarnya mereka tak dapat nampak makanan mereka. Mereka hanya menggunakan diri bau sahaja yang dipanggil sebagai electroreceptor. Jadi dengan electroreceptor itulah boleh membantu ikan pari ini untuk mencari. Aquarium. मलेशिया का जो एक्वेरियम है, एक्वेरियम हम लोग देखने आए, अभी एक्वेरियम देख लिए अभी। काफ़ी अच्छी जगह है और आके आप अभी एक घंटा डेढ़ घंटा यहाँ पर आके देख सकते हैं। कुछ अच्छी नई नई तरह की मछलियाँ और फिशेज वगैरह है, तो थिएटर्स वगैरह भी अंदर बना के रखे पूरा अच्छा है। आरोल ओके, दुबई वगैरह में भी देखे, काफ़ी देखे बड़े बड़े शहरों में, मगर थाईलैंड में भी देखा था मैं। ओके, नॉट गुड नॉट बैड, आके आप एक घंटा देख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। हम लोग देखने के वापस जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये हमारी गाइड है, ऑल मेंबर्स आर गोइंग, पूरे जने जा रहे हैं अभी। यहाँ पर देखिए करीब करीब 1 बजने आ रहा हैदराबाद में, 10:30, अढ़ाई घंटे आगे ये लोग अपने से। ये पूरा ये एक्वेरियम है ये, और बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, ज़बरदस्त। तभी पूछे जाना बिल्डिंग देखे तो बिल्डिंग्स बताता हूँ, वैसे अपोजिट देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है ये लोग का, और देखिए बिल्डिंग्स एकदम 50-50, 40-40, 40-40 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स है।
पूरा मेंटेनेंस करेंगे जबरदस्त। हाँ यहाँ लंच पे आए थे कि हम लोग हवेली कुआलालंपुर, ये आउटलेट है इसका, ये पूरा कम्प्लीटली ये हम लोग यहाँ पर लंच के लिए आए, लंच का टाइम हुआ। हाँ हैदराबाद में 10:30 हो रहे, यहाँ पर लंच हो जा रहा है, 1 बज रहा है, लंच का लेके फिर हम लोग नमाज के लिए लंच के लिए आए थे हम लोग इधर, लंच कर लेंगे, लंच कर लेके उसके बाद आप फिर आगे जाएंगे। लंच कैसा रहता मैं बताऊँगा यहाँ का, और मेरे ख्याल से शबीर भाई हाउस लंच कैसा है केरला लंच? दूसरे होटल में आज सब दिन में डिफरेंट होटल, अलग अलग होटल में। यस थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, डिफरेंट बुफेस। आप जब भी आप केरला इंडिया घूमना, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, बैतुल मुकद्दस, कॉन्टैक्ट तुर्की, आप शबीर भाई से कॉन्टैक्ट करिए, नंबर नीचे डाल देता हूँ शबीर भाई का नंबर, आप कॉन्टैक्ट करिए या मेरे से भी कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको शबीर भाई से मिला देता हूँ। माजिद भाई अच्छा ट्रैवलर है, थैंक यू वेरी मच। हम लोग देखिए अभी मलेशिया में है, ये मलेशिया का बड़ा स्क्वायर और एक कॉम्प्लेक्स में है हम लोग, लिलीपॉट कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं यहाँ है, टाइम स्क्वायर के पास ही है। इसके देखिए स्ट्रक्स कितने अच्छे हैं, देखिए ऊपर चढ़ने के लिए लाइटिंग के साथ है पूरे कम्प्लीटली, ये पूरे कम्प्लीट लाइट्स, हाँ लाइट देखो चेंज हो रहा था, देखिए आप कितना अच्छा चेंज हो रहा। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या डेवलपमेंट है, देखिए ज़बरदस्त। ये टाइम स्क्वायर है देखिए, यहाँ पर आपको इतना महंगा नहीं होता, सस्ता नहीं, देखिए यहाँ पर रेट लिखा हुआ रहता 59.99 बैग्स और स्लीपर्स बुक्स हर चीज़ मिल जाती है, अच्छा पॉश कॉम्प्लेक्स है। टाइम स्क्वायर पूमा का पूरा साथ सेल लगा के रख दिए ये लोग, ज़बरदस्त है। और क्या रेट के हैं क्या, मैं आपको भी बता दूँ, 66% ऑफ है। ₹300 ड्रेसेस बैग्स और कैप्स पूरा ब्रांडेड है पूरा, कैप भी है यहाँ से ले सकते हैं। हम लोग बैग्स लेने के लिए आइए देखिए टाइम स्क्वायर पे, मोहम्मद रजा बांग्लादेश से है, यहाँ मेहनत कर रहे हैं और हम लोग बैग्स लिए, थैंक यू वेरी मच, अच्छा डिस्काउंट दिया हमको 100 रिंगिट्स में दिए, बोलते हिंदुस्तान के 2000 रुपये में आपको अच्छा बैग मिल जाता है, ये ब्लैक कलर का, अपने पास जो बैग है ये 4-5 हज़ार में महंगा मिलता, और एक बैग दिए ये बैग 70 रिंगिट्स में दिए थे भाई, ज़बरदस्त बैग है, छोटा बैग है ट्राली के लिए, आप जब भी मलेशिया आए कुआलालंपुर आए भाई से मिलिए, और टाइम स्क्वायर में नीचे शॉप है इनका, नाम बोलिए आपका, एस एम रजा और इनका शॉप है यहाँ पर, आप आके यहाँ से परचेस कर ले सकते हैं, थैंक यू वेरी मच रजा भाई। मलेशिया में हम लोग आए हुए हैं पुत्राजाया मॉस, मलेशिया की वन ऑफ द टॉप मॉस है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर, इतना अच्छा देखने के लिए काफ़ी, आप देख सकते हैं पिंक मॉस, ये पुत्राजाया पिंक मॉस, आप देख सकते हैं पत्थर और स्ट्रक्चर कितना अच्छा खूबसूरत है। अभी अंदर का क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये मलेशिया कुआलालंपुर से आई थिंक 30 या 35 किलोमीटर्स आई है, हम लोग यहाँ पर आए, इधर देखिए इधर भी अभी वो साइड भी अभी मस्जिद का तामीर हो रही है उधर भी, और ये पिंक मॉस पुत्रा जहाँ की आप देख सकते हैं, अभी मैं अंदर लेकर बताऊंगा एंटर पुत्रा, ओके इट्स वन ऑफ द सिग्निफिकेशन ऑफ पुत्रा जया, ओके दिस वन ऑफ द इट्स इन प्रेसिन टू, ओके नियर टू नेक्स्ट आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यस दैट इज द प्राइम मिनिस्टर, वो देखो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो, ओके सो द मस्जिद नेम इज मस्जिद पुत्रा, it's been named due to our former prime minister Almarhum Tunku Abdul Rahman, he's built, he's the remembrance, yes. Okay, when is the build, he's built on 1999 1999 yes,
almost 26 or 23 years. It's actually quite new. Total of 116 feet of up. Thank you very much. Yes. Thank you. ये मस्जिद है, देखिए ये अंदर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। और ये मीनार, ये खूबसूरत मीनार है, ज़बरदस्त। और स्ट्रक्चर रेड मॉस्क के बोले जाते हैं इधर, और ख़ूबसूरत है बहुत। मस्जिद है देखिए, ज़बरदस्त स्ट्रक्चर, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ये मस्जिद का, ये मस्जिद है पूरी। उत्तरजया रेड मॉस्क, ये लेडीज़ के लिए अलग है, राइट साइड इधर। और कोई फॉरेनर्स या कोई आए तो वो लोग ये बुरखा डालते पहनने के लिए, ये पहन के लोग अंदर आना, शॉर्ट्स पे उस पर या टॉप पे आप नहीं आ सकते अंदर, कम्प्लीटली हिजाब होना या मुस्लिम्स रिवाज के हिसाब से यहाँ पर पूरा है। और ये जब ये देखिए इस्लामिक कंट्री है पूरा, इस्लाम के हिसाब से लोग फॉलो करते हैं। ये मेंबर है, ये देखिए पूरा आयात, पूरा पंचरी की आयात दिखे भी उर्दू में, अरबी में। रेड मॉस्क उत्तरजया, ये उसकी मीनार है। ये गैर मुस्लिम के लिए ये लोग कंपलसरी ऐसा ये हिजाब के सर का बुरखा पहनाते हैं ये लोग। ये आदमी आए या शॉर्ट पहन के, किसी भी परमिशन नहीं है, कंपलसरी आप फुल पहन के आना। ये देखिए ये लोग, ये फॉरेनर्स है, ये लोग बाहर से आए, कोई जापान या कोरिया या थाईलैंड या सिंगापुर से आए, ये लोग को बुरखा दे दिए। ये अपने लोग मुस्लिम से तो ऐसा हिजाब ऑलरेडी पहन के आते हैं उनका पप्पा। They don't want tall buildings in Putrajaya. And you can see the residents all, it's all local staff. It's a resident who were working here in offices. Yes. Okay. Come on. Putrajaya, ये हमारे टीम जा रही, देखिए ये मॉस्क पुत्रजाया रेड मॉस्क। ये पीछे जो बैक साइड का है प्रेसिडेंट का घर है वो, हम लोग जा रहे हैं अभी। ये हमारा पूरा टीम है। ये देखिए इधर रूल्स है कि बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं बनाना। अब ये पूरे जितने भी आपको दिख रहे हैं ये बिल्डिंग्स में, ये पूरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हैं। ये नदी है, ये खूबसूरत नदी। और ये नदी देखिए, आप इतना देखिए नीटनेस, देखिए कितना नीटनेस है। ये लोग ये नीटनेस के ऊपर काफ़ी ध्यान देखिए, देखिए आप ज़रा भी कच्चा नहीं दिखता वो कहीं भी। पूरी सिटी पूरी नीट है, एकदम क्लीन और नीट। देखिए कहीं भी कचरा नहीं मिलता, वही हमारे हिंदुस्तान में या हम कहीं भी चले जाओ इतना कचरा डाल देते कि हमारे पास फॉरेनर्स आके बोलते हमें भी चाहिए कि हमें खुद चाहिए कि नीटनेस रखे, कचरा ना फेंके रोड पे, ना पॉलीथीन ना सिगरेट फेंके, ना पान खा के थूके। ये देखो ये ज़बरदस्त ऐसा है, देखिए लोग नीटनेस है और साफ सिटी एकदम। पीछे देखिए ये मॉस्क, हम लोग निकल रहे हैं अभी 5:30 हो रहे हैं मेरे ख्याल से, हिंदुस्तान के 3 बज रहे तो 5:30 हो रहे हैं हिंदू यहाँ पर। 2.5 घंटे फास्ट है ये। अब ये बस है हमारी, ये बस है हमारी, बस में हम लोग अभी बैठ के अभी जाएंगे बस में। आगे देखिए हम लोग अभी जा रहे, देखिए एयरपोर्ट जा रहे हैं। अब यहाँ से आपको मैं जो भी अपडेट दूँगा, मैं मलेशिया कुआलालंपुर टू हैदराबाद का अपडेट दूंगा। एयर एशिया हमारी फ्लाइट है, अभी आप हम लोग एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट पे मिलूंगा मैं आपको। हम लोग देखिए अभी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अभी ये कम्प्लीटली गार्डन देखिए, रोड से देखिए कैसे ज़बरदस्त रोड से हाईवे, तो क्या खूबसूरत है। देखिए अभी वापस अभी जस्ट एयरपोर्ट पहुंच गए। ये मलेशिया का एयरपोर्ट है। अभी हम लोग अंदर जाएंगे, पिंटू डोर नंबर 4, ये पूरा मलेशिया का एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट है मलेशिया का, टर्मिनल 2
ये शॉप्स है, ये पूरा कम्प्लीटली मलेशिया एयरपोर्ट है, ड्यूटी फ्री शॉप। अभी अंदर नहीं हुआ, अभी बोर्डिंग पास अभी नहीं मिला हमारे को, अभी ये बाहर से, ये बाहर का ही है पूरा। अच्छा है, ज़बरदस्त है। ठीक है, ये देखिए नमाज का टाइम, तो हर चीज़ है यहाँ पर। P4 Level 3, Level 4 हम लोग ऊपर आए हुए हैं। यहाँ पर भी आपको बैग्स वगैरह मिल जाते हैं, शॉपिंग वॉपिंग इधर भी है। ये चेकिंग है, हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। ये एयरपोर्ट कुआलालंपुर, कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी हम लोग एयरपोर्ट पे हैं, वी आर इन कुआलालंपुर एयरपोर्ट। व्हाट्स योर नेम? विशाल। विशाल, विशाल, M I S H A L, विशाल। फुल नेम? निशार फैजल। निशार फैजल, ये मेरे साथ हम लोग थे 4 दिन से मलेशिया में, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। एंजॉय? यस या। और मेरे साथ मुनीर भाई, एंजॉय, मज़ा आ रहा? कैसा एयरपोर्ट? बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। हम लोग कुछ परेशान हो गए कि सेलर में जाके ऊपर जाना नीचे जाना करके। बड़ा एयरपोर्ट है? नहीं, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। Level 1, Level 2, Level 3 पर इंटरनेशनल फ्लाइट पूरे बहुत आते हैं यहाँ पर। टूरिज्म है ना, टूरिज्म जान दिया जाए। दुबई, हम लोग दुबई गए थे, दुबई में भी सेम है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है दुबई का। और मलेशिया का और थाईलैंड भी गए थे, थाईलैंड का भी स्वर्णभूमि एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, दुबई का भी है। और उसके बाद अच्छा एयरपोर्ट हमको दिखा, ये काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है, साफ़ सुथरा एकदम, नीटनेस। सिटी भी नीटनेस है ना, सिटी भी नीटनेस। देखिए एयरपोर्ट के एंटरटेनमेंट के लिए आपको अच्छा, ज़बरदस्त है, वेरी नाइस। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये पूरे हमारे टूर के, देखिए और हम लोग ये ऊपर जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे आए बात, बैग्स एयरपोर्ट के नीचे ही मिल जाते हैं, पूरा शॉपिंग का ज़बरदस्त है, ये पूरा शॉपिंग का ही है। अभी हम लोग चेकिंग नहीं हुआ और बोर्डिंग पास नहीं लिया अभी। अभी ऊपर बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, ये ऊपर का कैंटीन वगैरह। अभी हम लोग और Terminal 2, Level 3। थैंक यू। तो सिस्टमेटिक है, देखिए कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं, आराम से गाड़ी लेके आ जाइए। और ये हम लोग और ऊपर जा रहे हैं। ये पूरा कुआलालंपुर का एयरपोर्ट है, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, काफ़ी टूरिज़्म है और एयरपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। एयरपोर्ट पे सिटी के लेवल थोड़ा महंगा मिलता है एयरपोर्ट पे, कुछ आपकी शॉपिंग वॉपिंग ड्यूटी फ्री में ओके। ये देखिए मेहनत कर रहे लड़के अपने इंडिया से आके यहाँ पर काम कर रहे हैं एयरपोर्ट पे। और वॉचेस 299 करीब करीब 6,000 रुपये इंडिया के। और ये शॉप कहीं का शॉप है, ये चॉकलेट शॉप, फैमिली मार्ट, सुपरमार्केट, बिग सुपरमार्केट, KLIA, कुआलालंपुर Terminal 2 एयरपोर्ट। हम लोग अभी अब आए अंदर उतने देर के बाद। देखिए फ्लाइट्स का पूरा डिपार्चर का किधर है, पूरा नीचे वाला देखिए, कम्प्लीटली गुड, बड़ा एयरपोर्ट, बिग एयरपोर्ट, ये हमारे हिंदुस्तान के एयरपोर्ट। लड़के मेहनत कर रहे हैं दिल्ली से, चेन्नई के बहुत पास। देखिए बोर्डिंग पास ले लिए, हम लोग अभी जा रहे हैं फ्लाइट मलेशिया के, फ्लाइट मलेशिया के 9:30 हिंदुस्तान के 7 बजे मेरे ख्याल से, 2.5 घंटे ये लोग आगे हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी प्लेन में 4 आवर्स, 4.5 घंटे का रास्ता है हैदराबाद टू मलेशिया, और हम लोग 2 घंटे आगे हैं। अब यहाँ से 9:30 फ्लाइट है, मतलब 11 बजे तक हम लोग हैदराबाद में रहेंगे, थोड़ा लंबा है। और एयर एशिया बजट फ्लाइट अच्छी है। आप आगे हम लोग देखिए बैठे ठहरे हुए अभी, फ्लाइट पे है अभी, फ्लाइट उड़ने वाली है 7:30, 9:30। और ये पूरे फ्लाइट में देखिए, फ्लाइट ऑलमोस्ट खाली है। हम लोग पहुँचे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रात में 11:30 हो गए। देखिए हम लोग निकले थे मलेशिया से जब वक्त था 9:30, वहाँ का टूर 2 घंटे पहले है, तो हम लोग पहुँच गए। अभी चेकिंग यहाँ पर, फिर अब इमिग्रेशन होगा, फिर चेकिंग, बेल्ट्स निकालो, पूरा फिर लगेज वगैरह देके बाहर निकलेंगे। ये जो मेरा हैदराबाद
से निकल के मलेशिया का जो टूर था, अब हम लोग वापस ये ब्लॉग में यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और एयर एशिया से आए थे हम लोग, बजट ट्रैवल से, ओके, और अच्छा था सफ़र, अच्छा था, आराम से। थैंक यू वेरी मच।